हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन कंसल्टिंग के आज के वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो है स्टोर इंचार्ज रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टोर में जॉब कर रहे हैं और अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, स्टोर एचओडी, स्टोर हेड, स्टोर इंचार्ज बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही चुने हुए इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात की। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि स्टोर में कौन कौन सी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है। डिफरेंट प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स होती है वो है स्टोर इंचार्ज या स्टोर मैनेजर और स्टोर असिस्टेंट की। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, लाइक मटेरियल इश्यूएंस, मटेरियल फॉरवर्डर या हेल्पर्स, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल या डिटेल इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टोर इंचार्ज के प्रोफाइल की। तो स्टोर इंचार्ज का जो टास्क है उसको प्लानिंग एंड मैनेजिंग करना होता है लॉजिस्टिक का। जितना भी लॉजिस्टिक कंपनी में अंदर बाहर जाता है, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट स्टोर इंचार्ज का ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल स्टोर इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। देखा जाए तो हैंडल ऑल इन्वेंटरी ऑफ स्टोर, जितनी भी स्टोर के अंदर इन्वेंटरी रखी जाती है उसकी भी उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी मटेरियल है इनवर्ड आ रहा है, यानी कंपनी के अंदर जो एंट्री हो रहा है, उसकी क्वालिटी की ट्रैकिंग, यानी कंपनी में सही माल आया, सही माल आगे जा रहा है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रैकिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कंपनी के अंदर कितना मटेरियल स्टोर में रखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी उसे पता होनी चाहिए। और स्टॉक लेवल का जो मैनेजमेंट है, ये भी स्टोर इंचार्ज का ही टास्क होता है। साथ ही साथ डिलीवरी शेड्यूल जो कस्टमर का हमने बनाया हुआ है, उसका एडहेरेंस होना चाहिए टाइमली, ताकि 100% डिलीवरी हो, डिलीवरी फेलियर ना हो, ये भी स्टोर इंचार्ज का ही टास्क होता है। दोस्तों, बात करें इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी मैनेज करना उसका एक अहम रोल है। ना बात करते हैं कि स्टोर इंचार्ज के स्किल्स की क्या जरूरत है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, ये स्किल्स आपके रिज्यूमे में, बायोडाटा में जरूर होनी चाहिए। तो क्या स्किल्स है? सबसे पहले एमएस ऑफिस आपको जरूर आना चाहिए, और उसमें खास तौर से एक्सेल, क्योंकि स्टोर में बहुत सारा काम एक्सेल पे होता है, तो इसलिए आपको एक्सेल जरूरी है। एसएपी की नॉलेज बहुत सारी कंपनी मानती है, आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। अगर आप एसएपी नहीं जानते हैं, तो कोई भी अदर ईआरपी सिस्टम जिस पे आपने काम किया, उसमें आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ बात किया जाए तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका जो ईमेल राइटिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर स्टोर इंचार्ज के पोजीशन में मांगी जाती है। ना बात करते हैं, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आईटीआर। आईटीआर यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, यहाँ पे आईटीआर का मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो द आंसर इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री फॉर द सेम पीरियड। मतलब क्या है कि आपने मान लो एक महीने के अंदर जितना गुड्स सेल किया है, एक महीने में मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का माल सेल किया है, और आपकी जो एक महीने की एवरेज इन्वेंट्री है वो भी 1,000 रुपए की है, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 1,000 आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1 आ गया। और उसको अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करते तो 100% आ गया। लेकिन अगर आपने 1,000 रुपए का माल सेल किया है और आपके पास इन्वेंट्री 4,000 रुपए की है, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 4,000 ये आ जाएगा आपका 0.25। अगर आप परसेंटेज में देखे हुए तो 25%, यानी कि आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा है, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है 1 से, जो कि खराब है। कहता है कि अ हायर रेशियो टेंड टू 0.2 स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड अ लोअर वन टू वीक सेल्स। तो जितना वैल्यू बढ़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 या 100% या उससे ऊपर, वो अच्छा है, और 1 से नीचे है या 100% से नीचे है, वो खराब है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज फीफो एंड हाउ वी कैन मैनेज दिस। सो जनरली फीफो हर स्टोर में इंप्लीमेंट करना आज के लिए बहुत ही मैंडेटरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो फीफो की बात करते हैं, तो फीफो इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंटरी इन अ मैनर दैट आइटम दैट आर परचेज्ड अर्ली विल बी यूज्ड अर्लियर। इसका मतलब है जो आइटम पहले परचेज किया गया है वो पहले यूज होगा, जो बाद में परचेज किया गया वो बाद में यूज होगा। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके लिए हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। इस तरीके के रैक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो स्लोप में हो, जिससे कि जो पहले मटेरियल खरीदा गया वो आगे आ जाए और उसके पीछे वाला मटेरियल पीछे होता जाए। या हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं, का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेट वाइज डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम फीफो को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल्फ लाइफ। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सेल्फ लाइफ, क्योंकि हर स्टोर में कुछ ना कुछ मटेरियल होते हैं जो सेल्फ लाइफ के होते हैं।
तो आंसर की बात करते हैं तो सेल्फ लाइफ इज द लेंथ ऑफ टाइम दैट अ कमोडिटी मे बी स्टोर्ड विदाउट बिकमिंग अनफिट फॉर यूज कंजप्शन और सेल। यानी कि सामग्री के भंडारण एवं उपयोग की अवधि जब तक यह उपभोग के लिए उपयुक्त रहता है सेल्फ लाइफ कहते हैं। एक मटेरियल तब जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता है वो लाइफ उसकी सेल्फ लाइफ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज स्पेस वाइजली इन स्टोर। तो स्टोर के स्पेस को हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही बुद्धिमानी से कैसे यूज कर सकते हैं। तो आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द इन्वेंटरी रूल एंड नीड नॉट टू कीप मोर इन्वेंटरी देन डिसाइडेड। यानी कि हमें इन्वेंटरी नियम को परिभाषित करने की आवश्यकता है और जरूरत से ज्यादा इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है वी कैन यूज द वर्टिकल स्पेस यूजिंग हाई राइज रेट। तो हम वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं क्योंकि आप हॉरिजेंटल नहीं बढ़ सकते हो स्टोर में लेकिन वर्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो बड़ी बड़ी रैक्स को यूज करके। तीसरा है वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक रैक फॉर स्मार्ट यूसेज ऑफ स्पेस। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक रैक्स आ गई हैं जो आपको आपस में चिपक जाती हैं और जैसे आपको कुछ लेना होता है तो रैक को आप इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर सकते हो और मटेरियल निकाल सकते हो या मल्टीपल स्टोरी में होती है वो आपके सामने आ जाती है जिसमें से आपको लेना होता है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्पेस को यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी सेंडिंग मटेरियल टू कस्टमर और टेकिंग इनवेंट मटेरियल। तो कहता है कि मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन फंसती है जैसे आपके पास मैन पावर नहीं है आपके गाड़ी कंपनी के अंदर एक ले सकते हो और सेम टाइम पे आपका मटेरियल डिलीवर भी होना है और सेम टाइम पे एक गाड़ी खड़ी है जो आपको मटेरियल कंपनी में पहुंचा रही है तो आप क्या करोगे पहले। तो यहाँ पे वो ये समझना चाहते हैं कि आपके सोचने की शक्ति कैसी है आप क्या किस चीज को प्रायोरिटी देते हो। तो यहाँ पे आंसर हो सकता है वी कैन हैव हैवी पेनल्टी इन केस ऑफ कस्टमर डिलीवरी फेलियर और फर्स्ट टारगेट शुड बी जीरो डिलीवरी फेलियर बट आप कह सकते हो कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू बोथ द एक्टिविटी स्मार्टली विदाउट एनी फेलियर। सो ग्राहक की डिलीवरी विफलता से हमें हैवी जुर्माना लग सकता हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले हम कस्टमर डिलीवरी फेलियर को जीरो रखें लेकिन मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं दोनों काम को बिना किसी असफलता के समझदारी से करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कानबन। कानबन क्या है तो बात करते हैं कानबन मेंटेन्स इन्वेंटरी लेवल इट इज अ सिग्नल अ सेंट टू प्रोड्यूस द एंड डिलीवर अ न्यू शिपमेंट एज मटेरियल इज कंज्यूम। दिस सिग्नल आर ट्रैक थ्रू अ रिप्लेनिशमेंट साइकिल एंड ब्रिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिबिलिटी टू सप्लायर्स एंड बायर। सो कानबन एक कार्ड एंड विजुअलाइजेशन सिस्टम है। मान लीजिए आपके पास स्टोर में कस्टमर के लिए आपने मटेरियल बना के रखा हुआ है फिनिश मटेरियल रखा है अब आप देख रहे हो पीछे लाइन है बना रही है मशीन बना रही है। कानबन में हम लोग क्या करते हैं कि जब तक आपके पास मटेरियल रखा है तब तक पीछे कोई भी मशीन वो मटेरियल नहीं बनाएगी। जैसे आपने देखा कि मेरे पास 2 दिन का मटेरियल है या जो भी रूल आप डिफाइन करते हो आपने एक कानबान काट लिया और उसको जाके एक किसी विजुअल एरिया में उसको डिस्प्ले कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग को पता चला कि ये मटेरियल की अब जरूरत है और उसके बाद वो उतना मटेरियल फिर से बना के आपको स्टोर में दे देती है। तो इस तरीके से कानबान सिस्टम काम करता है ये लीन का एक मेथोडोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता हैव यू हर्ड अबाउट हिजुनका। हिजुनका क्या है सो द टर्म हिजुनका अगेन कम्स फ्रॉम द जापानीज एंड लिटरली मीन्स लेवलिंग। हिजुनका का मतलब होता है लेवल करना। हिजुनका इज अ लीन मेथड यूज्ड टू लेवरेज प्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिश अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्क। ये एक जापानीज शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है समतल करना। ठीक है सो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल टाइप का मटेरियल होता है लोग कोई भी मटेरियल ज्यादा कोई कम बना देते हैं किस अच्छी टाइप का ज्यादा बना देते हैं और जो डिफिकल्ट टाइप होते हैं उसका कम बनाते हैं। तो हिजुनका एक लेवलिंग मेथड है जो ये डिफाइन करता है एज पर दी फोरकास्टिंग प्लानिंग कि मटेरियल का हमें लेवल क्या रखना है। तो जनरली ये हर मटेरियल को एक लेवल मेंटेन करके रखता है और उतना ही मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में बनाना होता है और वो आपको स्टोर पे भी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिल्क रन। मिल्क रन बहुत सुनने में आता है स्टोर में लॉजिस्टिक में। ये मिल्क रन की जो बात है द फ्रेज मिल्क रन ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड वॉर टू व्हेन यूएस आर्मी एंड रॉयल एयरफोर्स एयर क्रूज यूज इट टू डिस्क्राइब अ मिशन विद लिटिल डेंजर। तो ऐसे मिशन जहां पे खतरा बहुत कम होता था उसको ये लोग मिल्क रन कहते थे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन। सो इन लॉजिस्टिक मिल्क रन इज अ डिलीवरी अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग वन व्हीकल टू पिकअप गुड्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड ट्रांसपोर्टिंग देम इन अ सिंगल शिपमेंट टू वन कस्टमर।
दैट वे द सप्लायर वॉन्ट हैव टू सेंड आउट गुड्स गोइंग टू द सेम कस्टमर इन मल्टीपल शिपमेंट। तो क्या होता है, मिल्क रन में एक ट्रक होता है, एक ट्रक जाता है और सभी अलग अलग सप्लायर से मटेरियल उठाता है और वो ट्रक सीधा जाता है कस्टमर के पास और सारा मटेरियल सबमिट कर देता है। उसको हम लोग मिल्क रन कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप एक मटेरियल के लिए अलग ट्रक भेज रहे हो, दूसरा सप्लायर अलग ट्रक भेज रहा है, तीसरा अलग ट्रक भेज रहा है और वहां पे कस्टमर के पास जाके 5-6 ट्रक खड़े हो गए। सो इससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती है, क्योंकि पूरा बड़ा ट्रक आपको लेने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन ट्रक जा रहा है उसमें थोड़ा सा मटेरियल आपको देना है और उसमें जो शेयरिंग होता है आपको उतना ही खर्च करना है। और कस्टमर क्या भी ज्यादा ट्रक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उसके पास एक ट्रक में ही सारा मटेरियल आ गया, तो उसका स्पेस बचता है, टाइम बचता है अनलोडिंग करने का। ये मिल्क रन कस्टमर एंड सप्लायर दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रक टर्न अराउंड टाइम। ट्रक टर्न अराउंड टाइम क्या है? TTT। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम गेट इन अंटिल गेट आउट, टर्न अराउंड इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय अ ट्रक इन द टर्मिनल एरिया व्हाइल पिकिंग एंड और ड्रॉपिंग अ कंटेनर। सो आपकी कंपनी में जैसे ही ट्रक एंटर हुआ, उसके बाद से आपने मटेरियल को अनलोड किया, अनलोड करके ट्रक गेट से आउट हुआ, ये जो पूरा टाइम है ये ट्रक टर्न अराउंड टाइम आता है। नो, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए आपकी कंपनी में 12 घंटे तक ट्रक खड़ा रह रहा है, तो इसका मतलब 12 घंटे तक आपका स्पेस यूज हो रहा है, आपके पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं अनलोडिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, तो आपको ट्रक टर्न अराउंड टाइम को कम करना है जिससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, लोडिंग या अनलोडिंग की एक्टिविटी बहुत ही जल्दी होती है, तो उसके लिए आप अलग अलग काम कर सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन आता हैव यू डन एनी कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट इन स्टोर्स। क्योंकि आप स्टोर इंचार्ज हो, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, बहुत मटेरियल आपके अंदर है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने कोई प्रोजेक्ट भी किया है स्टोर में कॉस्ट को सेव करने के लिए। तो आपने जो प्रोजेक्ट किया आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोजेक्ट के, लाइक आप कह सकते हो स्पेस सेविंग के अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड आइटम यूजिंग 5S कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो, रिडक्शन इन पैकेजिंग मटेरियल अगर आपने किया है बता सकते हो, सेल्फ लाइफ मटेरियल स्टोरेज इंप्रूवमेंट आपने किया है बता सकते हो, मटेरियल इश्यूएंस का जो टाइम था वो आपने रिड्यूस किया है वो आप बता सकते हो, इम्प्रूविंग ट्रक टर्न अराउंड टाइम अगर आपने किया है वो आप बता सकते हो, या इम्प्रूविंग ITR इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो अगर आपने किया है तो आप वो बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्टोर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे। जरूर आप इस क्वेश्चन आंसर को तैयार करिएगा किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंटरव्यू के सीरीज के क्वेश्चन आंसर को लोगों ने तैयार किया और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको और किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की जरूरत है, तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।